हेलो किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज है जीके का पीरियड और जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय आपका रिवीजन चल रहा है, तो आज चलिए हम लोग आज की क्लास फिर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की हम लोग क्लासेस में करेंगे क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप ऊपर रिवीजन हेडिंग डाल दीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है क्वेश्चन आंसर आपके फूड के बेस पे, फूड मतलब खाना जो मैंने आपको पढ़ाया था। और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आज इनका मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिए, जिन बच्चों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, देखिए क्वेश्चन है, नेम द फूड आइटम्स विच आर गुड फॉर हेल्थ। यानी कि आपको वो फूड आइटम्स बताने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आपको पता है क्या क्या चीज़ अच्छी होती है हेल्थ के लिए? होता है, आप लिखेंगे पहले आंसर, आंसर में आप लिखेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेजिटेबल एंड मिल्क, दूध भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी बोन्स और दांत मजबूत होते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। ऑलराइट, आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ्रूट्स की स्पेलिंग आपको पता है, वेजिटेबल्स की एंड मिल्क की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फूड गिव अस, यानी खाना खाने से हमको क्या मिलता है? तो बच्चों, खाना क्यों खाते हैं हम लोग बताइए? क्योंकि खाना खाने से हमको ताकत मिलती है, जिससे हम खाना खा के बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना? तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पर आंसर, ए एन एस आंसर, फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे, लिखा ना फूड गिव अस, तो पहले क्वेश्चन में से लिखिए आप, पहले फूड गिव्स अस क्या देता है हमको? एनर्जी, एनर्जी माने कि ताकत, और क्या करने के लिए? टू ग्रो बिग, बी आई जी बिग, एंड हेल्दी, हम लोग बड़े होते हैं, लंबे हो जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, ठीक है? तो फूड गिव अस एनर्जी टू ग्रो बिग एंड हेल्दी। ऑलराइट बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें पेड़ों से, पौधों से क्या मिलता है, किस प्रकार का खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है बताइए बच्चों पौधों से हमें? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो आप लिख देंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें ये तो पेड़ पौधों से मिलता है ना, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स यानी जानवरों से किस प्रकार का भोजन मिलता है, या जानवर हमें किस प्रकार का क्या देते हैं जो हम खाते हैं बताइए? मिल्क, सबसे पहले तो मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, बफेलो से, गोट से, है ना? और एग, हमारी हैन जो होती है, हैन क्या देती है? एग देती है, डक से भी एग मिलता है। एंड मीट, कुछ बच्चे जो नॉन वेजिटेरियन है वो उसका मीट भी खाते हैं, गोट का, चिकन का, है ना? तो मीट, तो मिल्क, एग एंड मीट हमको एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम थ्री थिंग्स डेट आर मेड ऑफ मिल्क, यानी कि आपको तीन ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो दूध से बनी होती हैं। क्या क्या बनता है बच्चों? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इजी चीज़ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बटर, कर्ड यानी कि दही, एंड पनीर भी लिख सकते हैं आप, पी ए एन डबल ई आर, पनीर। ऑलराइट, बटर, कर्ड, पनीर, और भी जो आपको अच्छा लगे, आइसक्रीम वगैरह भी लिख सकते हैं आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन आंसर देखिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, तो कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।